सो हमने ये सीखा कि ये आई में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, किस ऑब्जेक्ट का, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या पर्पस है और वो क्या काम करता है। जैसे कि एक्वस और वाइट्रस जो ह्यूमर है, दो ये जो लिक्विड्स भरे हुए हैं, यहाँ पे वाइट्रस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, ये बेसिकली आय को वेट रखने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आय सूख जाएगा। सूखने से क्या होगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें सूख के इनमें फ्रिक्शन पैदा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि एक गीले मतलब एक हरे पत्ते को आप ऐसा दबा के ऐसा छोड़ दें तो वो अपने शेप में वापस आ जाता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन आप एक सूखे हुए पत्ते को ऐसा दबाए और छोड़े तो वो बिखर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वो पत्ते में वाटर का कमी है, वहाँ पे पानी नहीं, ठीक है। लेकिन जो हरा वाला पत्ता है उसमें पानी है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल है। उसी तरह से ये आय को भी फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। ये चीज़ ज़रूरी है कि ये चीज़ प्रॉपरली काम करे। जैसे कि आयरिस जो मसल है ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव करती है, तो अगर ये वेट नहीं होगी तो थोड़े से समय में ये खराब होने लगेगी। देन सेम विथ सिलियरी मसल्स एंड सेम विथ आईलैंड्स ऑल्सो, ओके। क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, रेटिना मूव नहीं करता। ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं और बेसिकली इनका सिर्फ काम यही होता है कि इमेज जो फॉर्म हो आँख में वो अच्छी से अच्छी इमेज फॉर्म हो और विदाउट स्ट्रेस फॉर्म हो, कम से कम स्ट्रेस लगे उस ऑब्जेक्ट को देखने में, ओके। अभी हमने सीख लिया कॉर्निया, आयरिस, आईलेंस, इन सभी की वर्किंग, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहूं तो उसको मैं कितनी दूर पे रखूं, मेरी आय से कितनी दूर पे रखूं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है इसकी भी एक लिमिट होती है, हमने देखा था इन्फिनिटी पे रखा हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है और फोकस के पहले वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, फोकस के पहले रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, मतलब फोकस और पोल के बीच में नहीं, फोकस से पीछे रखे हुए सभी ऑब्जेक्ट्स को ये बहुत अच्छे से एक रियल और इन्वर्टेड इमेज में बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आय है इसकी एक लिमिट है, ठीक है, इसकी लिमिट है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक टर्म हमने बनाया पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली ये शो करता है कि एक आय, किसी भी ह्यूमन की आय किस लिमिट तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस दूरी तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस दूरी के बाद उसको ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप एक स्टार को देख सकते हो, जो स्टार होता है उसको आप देख सकते हो, आप मून को भी देख सकते हो, आप मुझे भी देख सकते हो, आप आपके सामने रखी नोटबुक को भी देख सकते हो, आप अपने पेन को, अपने हाथों को भी देख सकते हो, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का आपकी आई से डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस वेरिएबल है। स्टार दूर है, मून थोड़ा सा पास है, मैं और थोड़ा सा पास हूँ, आपकी नोटबुक थोड़ी और पास है, आपके हैंड्स आपके थोड़े और ज़्यादा पास है, ओके। ये सभी चीज़ें अलग अलग डिस्टेंस पर रखी हैं, फिर भी इनकी क्लियर इमेज दिखाई देती है, बिकॉज ये आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। लेकिन एडजस्ट करने की भी तो कोई लिमिट होगी, कब तक एडजस्ट करेगा, कोई भी व्यक्ति कब तक एडजस्ट करता है, उसी तरह से ये आई लेंस भी कब तक एडजस्ट करेगा। तो इसके लिए हमने दो टर्म बनाए, एक बनाया फार पॉइंट और एक बनाया नियर पॉइंट। फार पॉइंट इज बेसिकली द डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट। सो फार पॉइंट इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ ऑब्जेक्ट इज विजिबल, एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल। सो हम कहेंगे कि हमारे आई के लिए जो ये फार पॉइंट है, दिस फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूं, जैसे कि स्टार्स या सन। ये सभी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा दूर है, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें देख पा रहा हूं बिकॉज
माय लिमिट, मेरा मैक्सिमम लिमिट जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखने का वो है इन्फिनिटी। ओके, देन इन्फिनिटी के बाद मैं ऑब्जेक्ट को पास लाते गया लाते गया, पास और पास, बिल्कुल पास लेके आया और मेरी आईज के बिल्कुल सामने रख दिया ऐसा पास एकदम। फिर मैंने इसको और पास किया, तो आप देखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी आईज के क्लोज आ जाएगा तब आप उसे नहीं देख पाओगे, तब आप उसे क्लियरली नहीं देख पाओगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। गेटिंग इट? जैसे कि मैंने एक 2 रुपीज का सिक्का लिया, उसको थोड़ी सी दूरी पे रखा तो आप कह सकते हो कि हाँ ये 2 रुपए का सिक्का है। इसको मैं पास लाते गया और एकदम क्लोज आपके आई के पास ले आया, एक लिमिट बाद आपको वो 2 रुपए का सिक्का दिखेगा नहीं कि उस पर 2 रुपए लिखा है, आपको दिखेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट है पता नहीं क्या, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इसी तरह से एक 5 रुपए के सिक्के को मैं आपके आँख के पास लाते जाऊं और एक लिमिट के बाद आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये 2 रुपए का है कि 5 रुपए का। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी आई की एक मिनिमम लिमिट है कि इस डिस्टेंस से ज्यादा अगर आप उसको क्लोज लाओगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप 2 अलग ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग नहीं कर पाओगे। आपको 5 रुपए और 2 रुपए का सिक्का दोनों गोल दिखेंगे लेकिन उस पर लिखा क्या है वो नहीं दिखेगा। ओके, सो इसीलिए हमने एक टर्म बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है जब तक आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर पाओ। आप क्लियरली कब तक मुझे बता सकते हो कि ये सिक्का 2 रुपए का है और ये 5 रुपए? तो हम कहेंगे एक नॉर्मल आई के लिए ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ सिक्का आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन अगर उससे और क्लोज लेके आए तो हो सकता है आप उन दोनों सिक्कों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ। 5 और 2 रुपए के सिक्के थोड़े से दूरी पे हैं, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जैसे ही मैं आई के एकदम क्लोज लाया, 25 सेंटीमीटर से और क्लोज लेके आया, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा सिक्का 2 रुपए का है कौन सा 5 रुपए का। ओके, कुछ लोग हो सकता है और क्लोज तक करें लेकिन ये एक नॉर्मल आई की लिमिट है। इट डजेंट मीन कि अगर आप देख पा रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पास में ला के देख पा रहे हो, इट्स ओके, आप देख पा रहे हो लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको आईज में स्ट्रेन लगने लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट। सो ये नियर और फार पॉइंट बताते हैं कि आपकी आई की लिमिट कितनी है मिनिमम से मैक्सिमम की। तो मिनिमम लिमिट कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर। आप किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और क्लोज लाओगे तो आपको आईज में स्ट्रेन लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा। ओके, और इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी तक आप एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब इन्फिनिटी हमने कहा डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू। इन्फिनिटी डज नॉट मीन कि 1/0 और समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अब वो बहुत बड़ा वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस बहुत बड़ा वैल्यू क्या होने वाला है। ओके, सो दिस टू टर्म्स डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अगर मुझे एक दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो बताइए मुझे मेरे आईज में पावर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। हम कहेंगे अगर एक दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं तो उसे देखने के लिए मेरे आईज को कम पावर चाहिए। कम पावर में वो बड़ी आसानी से देख सकेगी। कम पावर मतलब कम कन्वर्जिंग पावर। जैसा हमने कहा कि ये पैरेलली लाइट रेज आ रही हैं तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे मीट कर जाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कराना हमारे आई लेंस के लिए आसान होगा। तो इसका मतलब ये जो फार पॉइंट विजन है, इस फार पॉइंट में हमें लेस पावर रिक्वायर्ड। और अगर नियर पॉइंट विजन की बात करें जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट है, उसके लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल आंखों के करीब रखा हुआ है उसे देखने के लिए आपकी लेंस को, आपके आई लेंस को काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसको कन्वर्जेंस ज्यादा करनी पड़ेगी। और हमने कहा कि मैक्सिमम आप कितनी दूर रख सकते हो? 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रख सकते हो। तो इट मींस इस केस में आपको मोर पावर का रिक्वायरमेंट है, आपको इस केस में पावर ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा पावर चाहिएगी। और इन दोनों टर्म्स को मिला के, दैट इज फार पॉइंट और नियर पॉइंट, इनको मिला के हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली रेंज ऑफ विजन। दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ विजन, कि इस रेंज में आप देख सकते हो, इस रेंज के बाहर जाओगे तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, जिसका मिनिमम लिमिट कितना है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इंफिनिटी। सो दिस नोन एज द रेंज ऑफ विजन। सो हमने पावर को समझा कि आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब है, कि मैक्सिमम किस लिमिट तक वो अकोमोडेट कर सकती है। मैक्सिमम पावर हम कैसे पता करेंगे, नियर पॉइंट से। और मिनिमम पावर कैसे पता करेंगे, फार पॉइंट से, बिकॉज नियर पॉइंट में ज्यादा पावर चाहिए और फार पॉइंट में कम पावर चाहिए। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। इस परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हम मूवीज को देखते थे, पुराने जमाने में जो हम मूवीज देखते थे वो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ही देख पाते थे। हमें पता भी नहीं था कि हम मूवीज इस वजह से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसने बनाई थी उसको मालूम था कि आप इस वजह से देख रहे हैं। सो ये कैसा मैजिक है कि आपको पता भी नहीं है और मैजिक भी हो रहा है। ये खासियत है, ये इस आई की एक खासियत है, इसको कहा जाए ये इसका एक स्पेशल गिफ्ट है जो इसको मिला हुआ है, जिस वजह से हम मूवीज को देख पाते हैं। इसको हम कहेंगे हेल्प अस टू सी मूवीज। मूवी देखने में हमें ये काम करता है, मूवी देखने में हमें ये हेल्प करता है। किस तरह से करता है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन बेसिकली होता क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है कि आपके आईज में जो लाइट आई, लेंस से रिफ्लेक्ट हुई और फाइनली इस रेटिना पे इमेज बनी, कोन सेल्स और रॉड सेल्स ने उसे परसीव कर लिया, उसे ले लिया। नाउ जो इमेज आपकी आईज में यहाँ पे फॉर्म हुई है वो इमेज 1/16 सेकेंड तक आपकी आईज में रहेगी। दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहा हमने कि आपकी आई में बनने वाली इमेज 1/16 सेकेंड तक वहीं पे प्रेजेंट रहेगी, वो वहीं पे रहेगी, वो जाएगी नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप सडनली अगर अपनी आईज घुमाते हैं तो आपको थोड़ी देर तक वो ऑब्जेक्ट दिखता रहता है और फिर गायब हो जाता है। आपने सामने देखा फिर इधर आए घुमाई तो आपको इधर ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन आपको थोड़े समय तक इधर से जो बन के इधर इमेज आई है, इस आई की जो, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दिखाई देगी। जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देखें और फिर एकदम से आपकी आई को टिल्ट करें किसी और डायरेक्शन में, सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब आप टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय तक आप मुझे ये देखते रहेंगे, आपकी आई में मेरी इमेज बनी रहेगी। कितने समय तक, 1/16 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक आप मुझे देख सकते हैं मेरे हटने के बाद, ओके। नाउ ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेटिना, ये रेटिना की खासियत है, ये इस खासियत की वजह से आप 1/16 सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो और सडनली आपने आई घुमाई किसी और ऑब्जेक्ट को देखने लगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को ना देख के मुझे ही देखते रहोगे। वाई, बिकॉज आपके आंखों में अभी इस वक्त मेरी इमेज बन गई, यहाँ रेटिना पे बन गई। आपने जैसे ही आंख टिल्ट करी आप किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेट्स से आप अपने कीबोर्ड को देख रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में ये देखेंगे कि 1/16 सेकेंड तक आप मुझे ही देख रहे हो, उसके बाद आप कीबोर्ड के देखना शुरू करोगे। इसको हम पता नहीं कर पाते, दिस इज वेरी क्रूशियल परसेप्शन, बस 1/16 सेकेंड तक ही हो रहा है, उसके बाद गायब हो जा रहा है। तो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि कभी कभी हम पता नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें दिख जाता है, हमें पता हो जाता है। कोशिश करके देखिएगा, अभी नहीं। सो जैसा मैंने कहा, परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब 1/16 सेकेंड तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, उसके बाद
वो गायब हो जाएगा, ठीक है, 1/16 सेकेंड, कौन से, उस ऑब्जेक्ट के जाने के बाद। ओके, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा फिर वो हट गया तो 1/16 सेकेंड तक आपको दिखेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। वाय, जैसे ही आपने आपकी आंखें टिल्ट करी वैसे ही नए ऑब्जेक्ट से भी लाइट इस तरह से एंटर हुई, लाइट एंटर होकर वो कोशिश करेगी इमेज बनाने की, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है तो दो इमेजेस ऐसा ओवरलैप सी हो जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने ऐसे कीबोर्ड पे दिखे, आप जैसे ही कीबोर्ड पे देखोगे आपको कीबोर्ड पे भी मैं दिखाई दूंगा। ओके, आपको कीबोर्ड भी दिखेगा और मेरी इमेज भी दिखाई देगी, बिकॉज वो दो इमेजेस ऐसा ओवरलैप हो जाएगी, उसमें आपकी आई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, आपकी आई में एक बार में सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म हो सकती है। ओके, सो इस चीज का यूज किया जाता है सिनेमेटोग्राफी। ये किस तरह से यूज करते हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो मूवीज जो होती थी वो इस तरह की एक डिस्क के ऊपर लगी होती थी, ऐसी कुछ डिस्क होती थी, और इस डिस्क के ऊपर एक रील ऐसी लपेट देते थे, ऐसा ये रील ऐसी होती थी। इस रील को अगर देखें तो ये रील कुछ इस तरह से दिखाई देती थी, ये ऐसा कुछ ये रील दिखती थी हमें, और यहां पे ऐसी पिक्चर्स होती थी, ऐसी फोटोज लगी रहती थी इसमें, बहुत सारी ऐसी फोटोज, और इस रील को हम इस पे फिट करते थे और इसको घुमाते थे, ये घूमती थी तो हमें इसका प्रोजेक्शन दिखता था और वो प्रोजेक्शन हमें चलता हुआ दिखाई देता था। अब ये किस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर इस रील में आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी मैंने 7 पिक्चर्स लगा दी, एक पिक्चर में मैं ऐसा खड़ा हूँ, दूसरे पिक्चर में मैंने ऐसा खड़ा हूँ, तीसरे पिक्चर में मैं ऐसा हूँ, चौथे पिक्चर में ऐसा, पांचवें में ऐसा, छठे में ऐसा और सेवन्थ में ऐसा, तो मैंने अलग अलग फोटोज खिंचवाई, ऐसा ऐसा ऐसा, देन दिस 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 एंड फाइनली दिस, ये अलग अलग पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। अब जब मैं बहुत स्पीड में आपकी आईज के सामने से इन पिक्चर्स को लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मेरा हाथ ऐसा उठ रहा है और ऐसा चला गया, जबकि फोटोज कैसी है, दिस 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 दिस, ऐसा कुछ फोटोज है, लेकिन जब इसको सडनली मैं आपकी आईज के सामने से ऐसा मूव करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि मेरा हाथ ऐसा उठ गया। ऐसा क्यों दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। कैसे, आपने मुझे इस फॉर्म में देखा, नाउ अब सेकेंड इमेज जो है, दिस इज द फर्स्ट इमेज, ये ऐसे वाली सेकेंड इमेज कैसी है मेरी, ऐसी फोटो खींची हुई है, तो फर्स्ट इमेज में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, सेकेंड इमेज में मैं ऐसा दिख रहा हूँ, जैसे ही आपने मुझे फर्स्ट इमेज में देखा आपके आईज में मेरी इमेज ऐसी बन गई, मतलब आपके रेटिना पे इस तरह की इमेज फॉर्म हो चुकी है। अब आपकी आईज में क्या क्वालिटी है कि वो 1/16 सेकेंड तक इमेज को रिटेन कर सकती है, वहीं पर रख सकती है, तो आपके आईज में मेरी ये इमेज बन चुकी है। अब मैंने मेरी ये वाली पिक्चर हटा के सडनली सेकेंड पिक्चर को आपके आईज के सामने ला दिया तो आपको ये दिखाई देगा कि मैं ऐसा खड़ा था और सेकेंड पिक्चर में ऐसा खड़ा था, तो यू विल फाइंड कि मैं ऐसा खड़े होके ऐसा हाथ उठाता हुआ दिख रहा हूं, बिकॉज आपने मेरी ये वाली इमेज को रिटेन कर रखा है अपनी आईज में और सडनली मैंने ये वाला हाथ इस तरह से उठा दिया, ये हाथ जबकि इस तरह से, देन सेकेंड पिक्चर में ऐसा था, बीच का जो क्या मूवमेंट था वो आपने नहीं देखा, लेकिन यू विल फाइंड कि आपको ऐसा उठता हुआ दिख रहा है। Why? Because ये फोटो हटाते से ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैंने सेकेंड वाली फोटो आपके आईज के सामने लाके रख दी। ओके, सडनली आपके सामने रख दी तो आपको दिखा कि मेरा हाथ ऐसा उठा, फिर यहां पे मैंने रोक दिया तो आपको सिर्फ यही दिखेगा। जब आप लेट से मेरी सेकेंड के बाद फोर्थ इमेज देखोगे तो यू विल फाइंड कि मेरा हाथ ऐसा था, अब आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन बीच में यहां से यहां का मूवमेंट आप नहीं देख पाए। लेकिन अगर मैं वही चीज को ऐसा सडनली रील को ऊपर की तरफ चलाऊं
ये फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो यू विल फाइंड कि मेरा हाथ आपको ऐसा और ऐसा उठता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज ये इमेज आपने रिटेन करी, मैंने सडनली ये इमेज आपके आंखों के सामने रख दी तो आपको मेरा हाथ ऐसा दिख गया, फिर ये इमेज आपने रिटेन करी, सडनली मैंने ये वाली इमेज रख दी तो आपको मेरा हाथ ऐसा उठ के ऐसा दिखने लगा, फिर जैसे ही इसके बाद सडनली ये रख दी तो और थोड़ा सा ऊपर दिखने लगा, फिर सडनली ये रख दी थोड़ा और ऊपर, फिर सडनली ये वाली, देन थोड़ा और ऊपर, और फाइनली ये वाली, तो यू विल फाइंड कि मेरा हाथ आपको ऐसा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, एंड आप कहेंगे कि ये मूवी है, कि ये फोटो चल रही है, ऐसा मूव कर रही है ये फोटो, ये अपना हाथ ऐसा मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये अलग अलग फोटोज है जिनको मैं बहुत स्पीड में चला रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, आप ये इमेज रिटेन करते हो सडनली ये आ जाती, तो ये इमेज रिटेन कर रखी है और ये इमेज एकदम से आ गई, तो आपको दिखेगा कि यहां से मैं यहां पहुंच गया, फिर ये इमेज रिटेन करोगे ये दिखेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और ऐसे सीक्वेंस चलती जाएगी। तो इस रील में बेसिकली कुछ नहीं होता, ये ऐसी एक बहुत लंबी सारी रील होती है एक मूवी के लिए, और उसमें बहुत सारी फोटोज लगी हुई होती है। अगर आप इस रील को देखोगे तो आपको देखेगा कि एक ही पोजिशन में बहुत सारी फोटोज खींची हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही पोजिशन में नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा खड़ा हूं, मैंने अपना हाथ हल्का सा इतना सा उठा रखा है, आपको नहीं दिखेगा ऐसा, डायरेक्ट पिक्चर में देखोगे तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि मैं ऐसा खड़ा हूँ, फिर अगली फोटो में मैंने ऐसा कर रखा है हाथ, अगली फोटो में थोड़ा सा और ऊपर, फिर थोड़ा सा और ऊपर, फिर थोड़ा सा और ऊपर, तो हर फोटो में अलग अलग फोटो में मेरा हाथ धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सडनली इसको चलाऊंगा आपको दिखेगा कि मेरा हाथ ऐसा उठ गया। गेटिंग इट? सो दिस रील इज फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये रील चलती किस तरह से, आपके आंखों के सामने 24 पिक्चर्स पर सेकंड दिखाई जाती है, आपकी आंखों के सामने 24 पिक्चर्स पर सेकंड दिखाई जाती है। अब ये 116 सेकंड का क्या मतलब है, मतलब एक सेकंड के 16 भाग कर लीजिए तो 16th पार्ट जो होगा, एक पार्ट जो होगा उन 16 भाग का, उस समय तक आप रिटेन कर सकते हो। तो अगर ये सोचिए मैं आपके आईज के सामने 16 पिक्चर्स पर सेकंड लेकर आऊं, अब क्या इसके सामने 16 पिक्चर्स पर सेकंड, हर एक सेकंड में 16 पिक्चरें लेके आते जाऊं ऐसी फोटोज, तब भी आप कंफर्टेबली देख सकोगे कि मेरा हाथ ऐसा मूव कर रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, ओके। लेकिन फिर 24 क्यों लेके आते हैं, 24 इसलिए लेके आते हैं, 24 इसलिए लेके आते हैं बिकॉज कुछ लोगों का परसिस्टेंस ऑफ विजन इतना नहीं होता, 1/16 हो सकता है वो और कम हो जाए, उनका परसेप्शन जो है वो और कम होता है, कुछ लोग जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं जिनकी आईज में इतनी पावर नहीं रहती उनका परसिस्टेंस ऑफ विजन और कम हो जाता है, 1/16 की जगह लेट से 1/20 हो जाता है, कि वो एक सेकेंड के सिर्फ 20 पार्ट तक ही इमेज को अपनी आंखों में रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अच्छा होता है 1/16 कि एक सेकेंड के 1/16 पार्ट तक वो अपनी आंखों में इमेज को रख सकते हैं, ओके। दैट्स व्हाई सेफ जोन में देखा जाए तो 24 पिक्चर्स पर सेकेंड आपकी आंखों के सामने से ऐसा मूव करती हैं ताकि आपको वो इमेज मूव करती हुई दिखाई दे, आपको ये ना लगे कि वो सिर्फ फोटोज दिखा रहे हैं, आपको ये लगे कि वो एक मूविंग पिक्चर दिखा रहे हैं। मूवी इज व्हाट, मूवी टर्म इज मूविंग पिक्चर्स, ओके, दिस टर्म इज मूविंग पिक्चर्स, सो दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन जिसके बेसिस पे ये बनाई जाती है। गेटिंग इट? जैसे कि आप एक, जैसे मैंने ये सामने एक प्लेट रखी, इस प्लेट में मैंने आधे में डार्क ग्रे कलर कर दिया और आधे में ब्लैक कलर कर दिया। जब आप इस ब्लैक को देख रहे हैं और सडनली इस ग्रे को देखने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्लैक कलर है। जब आप इस ग्रे को देख रहे हैं और सडनली ब्लैक को देखने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्लैक कलर है, सॉरी ग्रे कलर है। गेटिंग इट? इसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ये ग्रे दिखाई देगा, इसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ये ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन हालांकि ये दोनों कलर अलग है, तो ये कैसा मैजिक है, दिस इज लाइक अ मैजिक, आपको दिखेगा। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि पिक्चर को आप देखो तो आपको लगेगा कि ये घूम रही है, ये चल रही है, वो क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ परसिस्टेंस ऑफ विजन ही है, क्योंकि आप अगर बहुत देर तक ग्रे को देख रहे हैं तो आपकी आई में किसकी इमेज बन गई, ग्रे कलर की,
ग्रे कलर की इमेज से सडनली आप ब्लैक पे शिफ्ट हुए तो कुछ समय तक आपको ये ग्रे ही दिखाई देता रहेगा, फिर आप इसको ब्लैक को देख रहे हैं और सडनली आप इस पे शिफ्ट हो गए तो आपको ये ब्लैक ही दिखाई देता रहेगा, वो ग्रे कलर ही छुप जाएगा। ओके, ट्राई दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। एक ब्लैक कलर की शीट लीजिए, एक ग्रे कलर की शीट लीजिए, उनको आसपास से चिपका के रख दीजिए, ऐसा ऐसा चिपका के जब आप रखेंगे तो ऊपर वाली ग्रे नीचे वाली ब्लैक, तो यू विल फाइंड दिस फिनोमिना। ओके, एंड दिस इज अगेन ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन, जैसा हमने कहा। सो सिनेमेटोग्राफी इज अ वेरी एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन, सो यू कैन नोट दिस।